वेलकम टू माई गार्डन। ये मेरा प्रिकली पेयर कैक्टस है। इसको एक महीना पहले रूट रॉट हो गया था, स्टार्ट मतलब रूट से ये गलना स्टार्ट हो गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको बचाया और देखिए अब एक महीने बाद कितनी नई नई शूट्स इसमें आई हुई हैं। मैंने इसको कैसे बचाया उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, बताती हूँ। जब एक महीना पहले मुझे ये ख़राब दिखा तो मैंने इसको मिट्टी से पूरा अलग कर लिया है और अब देखिए इसकी मिट्टी कितनी गीली है। ये अगर मैंने इसको इसी में इसी तरह बिना कुछ ट्रीटमेंट किए रहने दिया तो ये फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा इसमें, चाहे मैं कुछ भी करूँ इसके लिए। तो मैंने क्या किया, नई ड्राई फ्रेश पॉटिंग सॉइल लिया इसमें, और 60% इसमें सॉइल में सैंड है और 20% गार्डन सॉइल है और 20% इसमें मैंने सब मिला के खाद मिलाया हुआ है, पहले से बना के रखा था। और ये देखिए जो कैक्टस था इस पॉट में मैंने सबको अलग कर लिया। देखिए किसमें इसमें इस सब में काफ़ी रूट्स हैं और काफ़ी ख़राब भी हो गई हैं और काफ़ी अभी अच्छी रूट्स इसमें बची हुई हैं। ये देखिए ये यहाँ नीचे से गल रहा है और ये देखिए ये इसमें ये फंजीसाइड मेरे सामने है, तो इसके ये नीचे के पार्ट में जहाँ पे इसका गला हुआ पार्ट है और नीचे के रूट्स में यहाँ पर हम ये फंजीसाइड्स को पाउडर को लगाएंगे। तो इस तरह अब हमें इसे लगाना है और हम अब उसी पॉट में इसको पहले लगाएंगे और उस पॉट में काफ़ी बड़े बड़े देखिए होल हैं। अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से हम न्यू पॉट्स तो नहीं ला पा रहे हैं, तो हम आज इसी में लगाएंगे। और हम सभी कैक्टस के नीचे बॉटम में देखिए ये फंजीसाइड ऐसे करके लगाएंगे। ये मैंने अपने हथेली में लिया है और सब के बॉटम में और रूट्स में पूरी अच्छी तरह लगा देंगे। और जो ये मिट्टी है हम इस मिट्टी में भी अच्छी तरीके से थोड़ा सा एक चुटकी मिला देंगे, तो जो भी फंजीसाइड का ये असर होगा ये इसमें आ जाएगा और ये अब बच जाएगा अगर हम इसको पानी और इसकी मिट्टी का ख्याल रखें तो। और सारे कैक्टस के टुकड़े लगाने के बाद हम सॉइल को अच्छी तरह प्रेस कर देंगे ताकि एयर पॉकेट इसमें ना रहे। और पानी जब देना है तो अभी हम इसमें पानी नहीं देंगे, जैसे सारे प्लांट्स लगाने के बाद हम पानी देते हैं, इसमें हम अभी पानी नहीं देंगे। 2 दिन बाद या 1 दिन के बाद हम इसमें पानी डालेंगे और अच्छी तरह डालेंगे। और फिर जब नेक्स्ट वाटरिंग करना है तो देखेंगे कि 2-3 इंच से ज़्यादा हमें मिट्टी सूखी नज़र आए तब हम इसमें वाटरिंग करेंगे, चाहे वो 1 हफ्ते बाद करें चाहे 10 दिन के बाद करें। और ये जो छोटे छोटे प्लांट्स मेरे सामने हैं इनको भी मैं 1-2 दिन ड्राई होने के लिए किसी शेडी प्लेस पे रख देती हूँ और उसको भी हम किसी छोटे छोटे पॉट में लगा देंगे। तो इस तरह हम सभी प्लांट्स लगाने के बाद हम इसको 2 दिन के लिए शेड्स में रखते हैं, 2 दिन हम इसे शेड में रखते हैं और फिर हम इसको धीरे धीरे करके धूप में लाएंगे, क्योंकि कैक्टस से धूप में सर्वाइव तो करेगा लेकिन आज ही रिपोर्टिंग हुई है इसलिए हम इसको शेड में रख रहे हैं। और अब ये देखिए ये 1 महीने के बाद की अपडेट है और इस तरह मेरा प्रिकली पेयर कैक्टस बच गया। और ये मेरा छोटा वाला पॉट देखिए, जो छोटी कटिंग थी उसको भी मैंने शेड में रख दिया था, फिर दूसरे दिन उसको भी मैंने लगा दिया और आज 1 महीने के बाद देखिए ये भी कितना प्यारा सा लग रहा है पॉट। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि डेली की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।